अध्यापिका की सीख। जब हम अपने आप को ही महत्व देते हैं तो हम दूसरों से दूर हो जाते हैं, और जब हम सबके साथ मिलकर चलते हैं तो सभी हमें प्यार करते हैं। संयम अपने पिता के साथ नए स्कूल में दाखिला लेने गया था। दाखिले की सारी प्रक्रिया पूरी करके उसके पिताजी चले गए। उसे एक चपरासी ने उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। अध्यापिका ने उसका परिचय सबसे करवाया। उसने एक नजर पूरी कक्षा पर डाली और एक खाली पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अध्यापिका ने उससे कहा, अंकुश बहुत ही होशियार बालक है, तुम उसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना। संयम को अंकुश की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। थोड़ी देर में आधी छुट्टी की घंटी बजी। सभी बच्चे खाना खाने लगे। अंकुश संयम के पास आया और बोला, आओ संयम खाना खाएं। संयम ने उसे अनदेखा करते हुए अपना खाना खाने लगा। छुट्टी के समय भी अंकुश ने संयम से बात करनी चाही, परंतु वह बड़ी शान से अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। अंकुश, अमन, वैभव, मीता और दूसरे सहपाठियों को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। कक्षा में संयम हमेशा अपने बड़े घर, नौकरों, गाड़ियों आदि की ही बातें करता। उसके घमंडी स्वभाव के कारण उसके दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। एक दिन संयम आधी छुट्टी के समय अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे, किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी अध्यापिका का ध्यान संयम की ओर गया, जो उदास बैठा था। संयम के पास जाकर उन्होंने उसे भी सबके साथ मिलकर खेलने को कहा। वह रुआंसा सा होकर बोला, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। अध्यापिका जी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा कि वे उसे कुछ समझाना चाहती हैं। उन्होंने पानी के दो गिलास लिए, गिलास में तेल की कुछ बूंदें डाली और दूसरे में दूध की। तेल पानी में तैरने लगा और दूध पानी में घुल मिल गया। अध्यापिका ने संयम से कहा, जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास मत करो, सदा दूध की तरह सबसे मिलकर रहो। संयम को अपनी गलती समझ में आ गई। दूसरे दिन अध्यापिका ने देखा कि संयम भी मैदान में सभी दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेल रहा था।